मुंबई में तेज रफ्तार कार का कहर, बांद्रा में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई, जख्मी ड्राइवर की हालत खराब। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत खराब। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में सेल्फी लेते समय नदी में डूबकर लड़की की मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी। दर्शकों के बीच चीन से तनाव के बीच सीडीएस विपिन रावत 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे, एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी लद्दाख में वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया, वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज से नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सी विजिल 21 में शामिल होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे जंगी जहाज। 8 दौर की बातचीत के बाद भी चीन ने एलएसी पर तनाव कम नहीं किया है, ना ही सैनिकों की तैनाती में कोई कमी आई है। रेचिनला दर्रे पर भारत और चीन की सेनाओं के टैंक और बीएमपी व्हीकल्स की तस्वीरें सामने आई हैं। गणतंत्र दिवस पर गलवन घाटी के शहीदों को वीरता चक्र से सम्मानित करने का ऐलान, पिछले साल 15 जून को चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए थे 20 जवान। अब तेज रफ्तार खबरों का एक बार फिर से रुक कर लेते और बात करते हैं बर्ड फ्लू की। देश के 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू, दिल्ली सरकार ने चिकन के आयात पर रोक लगाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गाजीपुर मंडी बंद करने के फैसले पर सवाल उठाए, कहा हड़बड़ी में लिया गया फैसला, वायरस से इंसानों को नुकसान के सबूत नहीं। यूपी के पीलीभीत में 7 उल्लुओं की रहस्यमय मौत, जांच के लिए बरेली भेजे गए सैंपल। आप विधायक सोमनाथ भारती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अस्पतालों को लेकर अमेठी में दिया था विवादित बयान, रायबरेली में सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी भी की थी। पंजाब में महंगा होगा डीजल पेट्रोल, कैप्टन सरकार ने हर लीटर पर 25 पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस वसूलने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथियों ने 3 लोगों की कुचलकर जान ले ली, कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। मुंबई के मीरा रोड में चोरों ने मेडिकल स्टोर का गला साफ किया, सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई। दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा सन की युवक, दूसरे धर्म में शादी करने वाली लड़कियों को सोशल मीडिया पर करता था परेशान। यूपी के बलिया में छेड़खाने के आरोप की बेरहमी से पिटाई की गई, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में सगे बेटे ने ही पिता को गला घोटकर मारा, जंगल से बरामद की गई लाश, पिता की शराब पीने की लत से नाराज थे बच्चे। दिल्ली के तिगड़ी में पार्क में बैठे युवक की हत्या, सिर पर हथौड़ा मारकर मर्डर, एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 17 मोबाइल और 30 सिम कार्ड बरामद, देश भर में करते थे ऑनलाइन ठगी। ब्रिटेन की अदालत से विजय माल्या को बड़ा झटका, कानूनी लड़ाई के लिए पैसे देने से इनकार, माल्या ने जब्त किए गए पैसों में से 28 लाख पाउंड जारी करने की मांग की थी। सिडनी टेस्ट में चोट के बावजूद ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा, अश्विन और हनुमा विहारी की शानदार बल्लेबाजी की वजह से मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही टीम इंडिया, 1-1 की बराबरी पर रही सीरीज। 5वें टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया का माइंड गेम शुरू, पॉन्टिंग बोले ब्रिस्बेन में तो हमारा पलड़ा भारी होगा, ब्रिस्बेन को के गाबा मैदान पर 1988 के बाद नहीं हारी है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी टेस्ट के नायक हनुमा विहारी चोट के कारण ब्रिस्बेन में 4था टेस्ट नहीं खेल सकेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना भी तय नहीं। अनुष्का विराट के घर आई नन्नी परी, विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने शेयर की बेटी की पहली तस्वीर। ABP News, आपको रखे आगे।